हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आपका माय चैनल अल मैथ्स क्लासेस। आज हम लोग जैसा कि क्लास एट्थ की बात करेंगे, यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल जो चैप्टर है एक्सरसाइज है सेल्फ प्रैक्टिस 6-10A, जिसमें क्वाड्रिलेटरल के बारे में इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बहुत सी बातें समझाई थी, उसके टाइप्स भी बताए थे। आज उसकी कुछ एक दो प्रॉपर्टीज़ थी, जैसे उनका जो इंटरनल एंगल होते हैं ना, उनका जो सम होता है वो 360 होता है। जैसे ट्राइंगल के इंटरनल एंगल का कितना होता है 180 डिग्री, ऐसे ही यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल के इंटरनल एंगल का सम 360 होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, जो आपकी एक्सरसाइज है 10A, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है फाइंड द अननोन एंगल। अननोन एंगल मीन्स अगर 4 एंगल्स हैं आपके पास, देखिए 4 एंगल्स तो होते ही हैं एक क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटर की डेफिनेशन एक बार फिर बता देते हैं आपको। क्वाड्रिलेटर क्या है? एक पॉलीगॉन है। ठीक, एक ऐसा क्लोज्ड पॉलीगॉन विच इज़ फॉर्म बाय द 4 लाइन सेगमेंट। ओके, 4 लाइन सेगमेंट होते हैं, 4 वर्टाइसेस होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं। ठीक, जैसे कि इसमें देखो 1, 2, 3, 4 ये एंगल्स हो गए, 1, 2, 3, 4 ये वर्टाइसेस हो गए और ये साइड्स हो गई। ठीक, तो ये पॉलीगॉन क्वाड्रिलेटरल होता है। अब इसमें अगर हमें 1, 2, 3 एंगल्स गिवन है तो हम 4th एंगल को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा ही इस क्वेश्चन में लिखा है, फाइंड द अननोन एंगल। अननोन मीन्स, अब देखिए यहाँ पर इसका नोमेनक्लेचर कर लेते हैं, मीन्स ABCD। ओके, वर्टाइसिस ABCD। अब यहाँ से अगर बात करें इस एंगल की, एंगल A कितना गिवन है हमारे पास 75 डिग्री, एंगल B कितना है X, एंगल C कितना है 105, एंगल डी 125 हो गया। अब देखिए हमें बताना क्या, एंगल बी बताना है जो कि एक्स हमने लेट एज्यूम कर लिया। ठीक, तो इन एंगल का आप जानते हो, इन क्वाड्रिलेटरल आप इस तरीके से लिख सकते हो, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, क्योंकि आपने इसका नाम लिख लिया है। तो 4 एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। ओके, एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब एंगल ए कितना है हमारे पास 75 डिग्री। ओके, और एंगल बी कितना है एक्स है, जो कि हमें फाइंड करना है, एंगल सी 105 और एंगल डी जो है 125 इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब हम लोग यहाँ पर ऐड कर लीजिए इसको, देखिए एक्स और प्लस ये कितना आएगा यहाँ से 105, 180 और 125 कितना आ जाएगा यहाँ से 305 इक्वल्स टू 360। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 360 और माइनस में 305 कितना बचेगा यहाँ से 55 डिग्री। ओके, तो ये अननोन एंगल आ गया है हमारे पास। ठीक, इसी को ही फाइंड करना था। अब ऐसे नेक्स्ट फिगर में अगर बात करें, देखिए यहाँ से क्या कितना गिवन है हमारे पास, 100 डिग्री एंगल है, 70 है और 80 है और पाई है। ठीक, तो यानी यहाँ पर भी हम इसका भी नोमेनक्लेचर कर लेंगे ABCD। ठीक, और इसी तरह से हम लोग इसको भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी और प्लस में एंगल डी। ओके, यहाँ से भी देखिए इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, ये कौन सा पार्ट है, बी पार्ट है, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD। ठीक, इस फिगर की बात चल रही है, यहाँ पर एंगल ए की वैल्यू कितनी है 100 डिग्री और बी की वैल्यू 70 डिग्री और सी जो है बाई है जिसको फाइंड करना है अननोन, और डी हो गया 180 डिग्री 360। तो बाई प्लस में इसको ऐड कर लेंगे 0, 8, 7, 5 कैरी ओवर 1, 250 डिग्री 360, यानी बाई इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस में 250 डिग्री, बाई बिकम्स 0, 1, 110। ठीक, ये अननोन वैल्यू आ गई है हमारे पास यहाँ पर। ठीक, तो इसी तरीके से आप क्या क्वेश्चन नंबर ABC इसको भी कर सकते हो। ओके, फिर उसके बाद हम लोग डी की अगर बात करें तो डी भी, ये तो फिगर आपको खुद ही करना है। ओके, ऐसे ही हम लोग नाम इसका लिख लेंगे ABCD, क्योंकि बुक में नाम नहीं है तो आप एक बार नाम ज़रूर इसको मेंशन कर लें, तब बेहतर रहेगा। अगर डी की बात करें, देखिए ये एंगल 40 है, ये 10 है, ये एक्स है, ये 20 है, यानी 1, 2, 3, 4 एंगल्स हैं और ये इंटरनल एंगल है। जब इंटरनल एंगल है तो इनका सम कितना होगा क्वाड्रिलेटरल के एंगल का 360 डिग्री होता है। ठीक, आप चाहें इसका भी नाम लिख लीजिए इस तरीके से ABCD। ठीक, डी सॉल्यूशन डालते हैं यहाँ पर, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD। ओके, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री, और कोई भी शॉर्ट आपको नहीं लगाना है, ये नहीं केवल इसको ऐड कर दो, पूरा नोमेनक्लेचर करने के बाद वैल्यू को प्लेस करेंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। एंगल ए देखिए कितना है यहाँ से 40 डिग्री, एंगल बी कितना है 10 डिग्री, आपके पास बुक है, बुक से देख सकते हो, ये आर एस
एस चांद की बुक है, एस चांद की बुक का सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ क्लास एट। ओके, तो सी कितना है हमारे पास, एक्स है, और डी की जो वैल्यू है वो 20 डिग्री है, इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, सही ना। राइट वन 40, 50 और 70 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री, एक्स बिकम्स 360 और माइनस में 70, यानी एक्स की जो वैल्यू आएगी 290 डिग्री। ठीक है, ये रहा आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, हमारे पास ये डी हो गया। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर जो टू है, टू को देखिए, क्वेश्चन नंबर टू में लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्वेश्चन नंबर टू हमने फिगर यहाँ ऑलरेडी बना रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स मतलब ये एंगल बताना है। अब अच्छा, ये तो इंटरनल, अगर हमें ये एंगल पता होता तभी तो आप बता सकते थे, क्योंकि अगर ये एंगल गिवन है आपके पास 1, 2, 3 एंगल गिवन है, 4 तो हम निकाल लेंगे 360 से। ओके, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इसका नोमेनक्लेचर ही लिखेंगे ए बी सी डी, और इसको बोल दो आप कोई भी पॉइंट, एफ बोल दिया यहाँ पर, ठीक है, ये पॉइंट एफ हो गया। अब यहाँ से एक और आपको पॉइंट अब याद रखना होगा कुछ डिफरेंट टाइप्स के, जैसे एक लीनियर पेयर होता है, लीनियर पेयर क्या होता है, जैसे ये एंगल हो गया, ये कितना है 180 डिग्री है, ये हो गया 180 डिग्री, अगर हम ये इस तरीके से कोई भी एंगल बना दें तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक एंगल ये होगा, एक एंगल ये होगा, इन दोनों का सम जो होगा वो कितना होगा 180 डिग्री, जिसको हम लोग लीनियर पेयर बोलेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास ये एंगल गिवन है 40 डिग्री, तो लीनियर पेयर से हम इसको फाइंड कर सकते हैं, ये कितना आ जाएगा, ये 140 डिग्री, क्योंकि 180 में से इसको माइनस करेंगे और ये एंगल हम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से देखते हैं, ये पहले एंगल फाइंड कर लेते हैं। ओके, तो ये एंगल किस तरीके से आएगा, आप लिख सकते हो यहाँ से एंगल ए बी सी, जो एंगल होता है, अगर हमने ये लिखा है, इसका मीन्स क्या होगा, बी एंगल है। ओके, तो एंगल ए बी सी, ये एंगल ए बी और सी, और एंगल प्लस में ये एंगल, ठीक, सी बी एफ, एंगल सी बी एफ इक्वल्स टू 180 डिग्री, इसमें लिख देंगे लीनियर पेयर, इसके सामने ही लिख देंगे लीनियर पेयर। ठीक है, क्लियर है ना, ए बी सी हमारे पास है नहीं, तो ए बी सी को ऐसे ही लिख देंगे ए बी सी, और प्लस में सी बी एफ कितना है 60 डिग्री, राइट, एंगल ए बी सी बिकम्स 180 और 60, यानी 120 डिग्री। अब हमारे पास जो एंगल है आ चुका है कितना, 120 डिग्री। जब एंगल 120 डिग्री आ गया है हमारे पास, मींस ये एंगल आ गया है। ठीक, अब हम आसानी से ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल को लेंगे और फिर सॉल्व कर लेंगे इसको, देखते हैं इसका आगे का पार्ट, लिख देंगे इन क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ठीक, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री, कह सकते हो ना, एंगल ए कितना है हमारे पास 110 डिग्री, और एंगल बी कितना है, एंगल बी जब हमने स्पेशल नाम लिख दिया है यहाँ पर, तो देखिए बी तो ये भी होगा और ये भी होगा, लेकिन हमने ऊपर इसीलिए ये मेंशन किया है इन क्वाड्रिलेटरल, हम लोग बात कर रहे हैं केवल और केवल इस क्वाड्रिलेटरल के, यानी ये एंगल बोला जाएगा, ये कितना आपने फाइंड किया था 120 डिग्री, 120 डिग्री, और सी की वैल्यू 50 डिग्री, और डी जो है एक्स इक्वल्स टू 360 डिग्री, तो यानी अब यहाँ से आप एक्स की वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो एक्स कितना आएगा यहाँ से 0, 5, 2, 7 और 1, 8 और 1, 1, 2 360 डिग्री, तो यानी एक्स बिकम्स 360 माइनस 280, यानी वैल्यू कितनी आई यहाँ से, कितना आएगा ये 80 डिग्री। ओके, होप ये आपको समझ में आ गया है क्वेश्चन। अब ऐसे ही अगर हम बी सी डी की बात करें, तो उनमें भी हम लोगों को क्या करना होगा, जैसे बी पार्ट में आपको गिवन है, इसको इरेज करते हैं, आप इसको लिख लीजिए अपनी कॉपी में, क्वेश्चन नंबर टू में जो बी पार्ट है इसका, बी पार्ट में देखिए फिगर इस तरीके से बना है, टू का बी पार्ट, ये कुछ इस तरीके से है, ये रहा फिगर, ठीक, काइट टाइप है, 136, ये 35 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री,
136, ये एक्स हो गया। ये सिंबल जो होता है 90 डिग्री का होता है। अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग बात करें इसकी, ए बी सी डी, इसको एफ पॉइंट बोल दो और इसको ई पॉइंट, ठीक। अब ये एंगल और ये एंगल आपने ये सीखे होंगे एंगल, ये वाले, ये जो एंगल होते हैं इनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये कैसे कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक। तो यानी हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं एंगल एफ ए ई इक्वल्स टू एंगल डी ए बी, डी ए बी, और ये है कितना, एफ ए ई कितना है, 35 है, तो ये भी 35 होगा। क्लियर है ना, जब ये 35 डिग्री होगा। अब आप फिर लिखेंगे यहाँ पर इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 360 डिग्री, एंगल ए की वैल्यू 35, एक्स और प्लस 136 और प्लस में 90, और एक्स की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर डी है, वहाँ पर भी दो बार लीनियर पेयर लगाएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर अब बात करते हैं थ्री की। थ्री में देखिए एंगल का, फाइंड द मेजर ऑफ द फोर एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इफ दे आर रेशियो, मींस एक क्वाड्रिलेटरल है उसमें रेशियो गिवन है। आप इस तरीके से लेट कर लीजिए, एंगल ए रेशियो एंगल बी रेशियो एंगल सी रेशियो एंगल डी, कितना है, 2, 4, 6 और 8, ये रेशियो गिवन है, 2, 4, 6, 8। अब अगर आपको देखो बताया था जो चैप्टर नंबर 9 है और भी इससे प्रीवियस जो मैंने आपको पढ़ाया था उसमें, अगर रेशियो में गिवन हो तो हम लोग क्या करेंगे, इनको अलग अलग जब लिखेंगे तो एक कोई भी कांस्टेंट ले लेते हैं, जैसे एंगल ए कितना आएगा 4x और एंगल बी कितना आएगा, एंगल ए आएगा 2x यहाँ से, एंगल बी 4x और एंगल सी 6x, एंगल डी 8x, ठीक। अब फिर आप लिख सकते हो इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी आपने लेट किया है, तो इन फोर एंगल्स का सम कितना आएगा, एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 360 डिग्री, ठीक। एंगल ए कितना है 2x और एंगल बी 4x 6x 8x 360 डिग्री, यानी पहले x की वैल्यू यहाँ फाइंड करेंगे, ठीक। 4, 2, 6, 6, 6, 12, 12 और 8, 20, 360 डिग्री, यानी x इक्वल्स टू 360 और अपान में 20 डिग्री, कितना आएगा 18 डिग्री। अब ये 18 आ गया ना x, तो यानी एंगल a कितना आ गया, आप लिख सकते हो रिक्वायर्ड एंगल, रिक्वायर्ड एंगल्स, एंगल a आपने कितना लेट किया था 2x, यानी 2 और x की वैल्यू 18, कितना आएगा ये 36 डिग्री। अब ऐसे ही एंगल b लिखोगे, एंगल c लिखोगे और एंगल d, ऑल फोर एंगल्स आप यहां से लिख सकते हो, ठीक है। यानी यहां से आप देखिए एक बार फिर इसको, लेट एंगल ए बी सी डी का रेशियो गिवन है आपके पास, एंगल ए 2x, एंगल बी 4x, एंगल सी 6x और एंगल डी 8x। उसके बाद क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, इन सब का सम कितना आएगा 360 डिग्री, ए की वैल्यू 2x है 4x, यहां से हम लोगों ने क्या किया, x की वैल्यू को फाइंड किया, 20x equals to 360, यानी x becomes 360 upon में 20, x की वैल्यू 18। अब रिक्वायर्ड एंगल, एंगल ए कितना था 2x, x की वैल्यू 18 रखेंगे, 18 टू जा 36। ऐसे ही b में 4x, x की वैल्यू कितना रखेंगे 18, 18 फोर जा 72 है। एंगल सी लिखेंगे यहाँ पर 6 आएगा यहाँ पर, 18 6 जा 108। ऐसे ही डी लगाएंगे, ओके है। तो ये ऐसे ही क्वेश्चन नंबर जो 4 है लास्ट, उसमें देखिए एक्स है और 2x प्लस 13, 3x प्लस 10 एंड x माइनस 6 आर ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो इसी तरीके से हम उसको भी लगा सकते हैं, एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल्स टू 360 डिग्री, और आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, शेयर करें और अपने और सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू वेरी मच।